What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा, आसमान बड़ा साफ दिखता है, यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, साफ सुथरा मामला। बाकी आज वीडियो वैसे आपने टाइटल में देख लिया होगा, बट आज वीडियो खास एक आपको न्यूज़ देने के लिए कि मैंने गाड़ी ली है। एक गाड़ी हमारे पास पहले से थी, माजदा 3, जो कि 2018 मॉडल है। बट यहाँ पे क्या है, बिना गाड़ी के जॉब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको दोनों को गाड़ी लगभग चाहिए, क्योंकि जो मेरे को जॉब मिली है उसके कभी कभी हो सकता है अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट हो या फिर लेट नाइट शिफ्ट हो, तो उस वजह से गाड़ी थोड़ी ज़रूरी हो जाती है, आने जाने में दिक्कत होती है। वैसे बसों की सर्विस बहुत अच्छी है, वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। मैं अभी ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ अपना, डेली 3 दिन हो चुके हैं ट्रेनिंग पे जाते जाते। आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं ट्रेवल करता हूँ बस वगैरह में, वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा। बट पहले चलिए आपको गाड़ी दिखाता हूँ। अब गाड़ी जो मैंने ली है, द मेन थिंग इज आपको बताऊं, मैं ये ली है, मॉडल है ये 2006 है, माजदा 3। इतनी पुरानी क्यों ली है, क्योंकि काफ़ी कम बजट में मिल गई थी और मुझे चाहिए थी बस 3-4 महीनों के लिए। अब 3-4 महीनों के लिए किस लिए, यहाँ पे नई गाड़ी कोई भी लो आप, एट अ टाइम नहीं मिलती। स्पेशली टोयोटा की तो ऐसी ऐसी है जो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल वेट करना पड़ता है। मेरा मन था नई गाड़ी लेने का, बट वही मिल नहीं रही थी। माजदा पे जाके बुकिंग वगैरह करवाई थी मैंने, बट माजदा पे भी नहीं मिली। एंड में किया की एक गाड़ी मैंने फाइनल करी थी, किया की नाम बाद में बताऊंगा, उसे आने में 3-4 महीने हैं। लगभग दिसंबर में, नवंबर के एंड में या दिसंबर में आएगी वो, प्रोबेबली क्रिसमस के आसपास। तो जब वो आएगी तब आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो उसकी वेटिंग थी। इन द मीन टाइम ऑप्शन मेरे पास दो थे, कि या तो मैं गाड़ी रेंट पे लूँ। अब रेंट पे गाड़ी लेने का क्या पड़ रहा था, 3-4 महीने का रेंट पड़ रहा था $6,000 के आसपास, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। उससे बेटर ऑप्शन मुझे क्या लगा, मैंने खुद सोच लिया कि मतलब एक गाड़ी लेते हैं पुरानी, जो ज़्यादा पुरानी हो। अब ये खड़ी है, देखो दिखाता हूँ आपको। पहले ये गैराज है हमारा, दोनों गाड़ियाँ इसी के अंदर आ जाती हैं, ये खड़ी। अब ये जो ब्लैक माजदा आई है, ये इतने प्राइस में आ गई कि हमारे बजट में आ गई। सेकेंड चीज़, 3-4 महीने इसको यूज़ करने के बाद अराउंड ज़्यादा मेरी चलेगी भी नहीं, 10,000 के आसपास। किस्मत अच्छी रही तो उतने में ही या फिर थोड़े बहुत कम में ही मैं इसको रीसेल कर दूंगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरे जो 6,000 रेंट के जानते थे, जिसमें मेरे पास कुछ रहना भी नहीं था, वो मेरे बच जाएंगे। तो अगर आप बाहर आते हैं, अगर आप गाड़ी लेते हैं थोड़े दिन के लिए कुछ करते हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। रेंट पर गाड़ी लेने की बजाय एक सेकेंड हैंड गाड़ी ले लो, जो पुरानी हो, जो सस्ते में आपको मिल जाए, आपका रेंट बच जाए, आपकी खुद की गाड़ी होगी, और बस। और तो क्या, चलो आपको ज्यादा बात ना करते, गाड़ी दिखाता हूं पहले। ये है गाड़ी, साउथ ऑस्ट्रेलिया की नंबर प्लेट, ब्लैक माजदा 3 2006। बाहर निकाल के दिखाता हूं। एक काम करते हैं, आप रुको, मैं इसको एक बार बाहर निकालता हूं, फिर आपको बाहर खड़ी करके दिखाऊंगा। बाय बाय। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. तो गाइज ये है गाड़ी, पीछे खड़ी है, ये है इसकी चाबी, फ्लिप की है, लॉक अनलॉक और कुछ नहीं ज़्यादा। गाड़ी दिखाते हैं, चलो। ये लॉक, ये अनलॉक, एलॉयज वगैरह ये है। अभी साफ सुथरी नहीं है, गंदी पड़ी है। साफ सुथरी के लिए या तो खुद कर सकते थे, बाहर यहाँ पे होती हैं कुछ जगह जहाँ पे कर सकते हो, बट मैंने पहली बार ली, इतनी पुरानी गाड़ी है तो मुझे लगा कि प्रोफेशनली एक बार क्लीन करा लेनी चाहिए। फ्राइडे को आएगा जानकारी है, वो फ्राइडे को क्लीन करने के लिए आएगा, अच्छे से अंदर बाहर से सारी की सारी बिल्कुल साफ करके जाएगा चकाचक। साफ होने के बाद भी आपको दिखाऊंगा।
बल्कि चलो आपको अंदर से तो दिखाई देते हैं यार, क्या साफ होने का इतना सोचना, गंदी है तो क्या हुआ। ये है गाड़ी, ऑटोमेटिक है, मेरी चॉइस यही थी ऑटोमेटिक हो जाए, माजदा की मिल जाए। ये गाड़ी है, ज्यादा मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि कोई हाई फाई गाड़ी चाहिए, मेरी थी यहाँ पे माजदा की और टोयोटा की, इन दो गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, ह्यूंडई की भी सही है, बट इन दो कंपनीज की रीसेल वैल्यू सबसे ज़्यादा अच्छी है, आराम से बिक जाती है, इस वजह से मुझे कंपैरेटिवली सेम इतनी पुरानी अगर मैं किसी और कंपनी की लेता तो बहुत सस्ती पड़ रही थी, बट माजदा की मैंने इसीलिए ली। एक तो बढ़िया लग रही है यार, एक तो साफ सुथरी गाड़ी मिल गई, ब्लैक कलर मिल गया, और ज़्यादा चली हुई है, ये 2006 मॉडल है, 17 साल लगभग पुरानी है, और 170 चली हुई है, 10,000 हर साल के हिसाब से, मुझे कोई इतने ज़्यादा नहीं लगे। यहाँ पे हाईवे थोड़े लंबे होते हैं, दूर दूर तक आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो उस वजह से भी गाड़ी ज़्यादा चलती है, तो उस हिसाब से मेरे को ठीक लगी है इन बजट, लेट्स होप के बाद में बिक जाएगी। अभी आपको मैंने गाड़ी के बारे में बता दिया, ऑप्शन बता, हाँ ली कहाँ से मैंने, ये वाला ही एक और चीज़, यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मतलब ऑप्शन आपका मेनली होता है कि या तो आप डीलर से ले सकते हो, बट डीलर बहुत महंगी गाड़ी देते हैं, चीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक डीलर मिला था मुझे, उसके पास i20 थी, यहीं का था, ऑस्ट्रेलिया का ही, एंड ही वॉज लाइक के यार नई गाड़ी है, ज़्यादा चली नहीं हुई है, वो पुरानी, मतलब पुरानी थी 2010 वगैरह, 9-10 के आसपास की, $6,000 में दे रहा था, i20 ह्यूंडई वाली जो इंडिया में भी होती है, पुराने मॉडल वाली वो दे रहा था, बट पूरी की पूरी रीपेंटेड थी, मतलब हाथ लगा के पता चल रहा था, बफिंग भी नहीं करवाई हुई थी उसके, अलग अलग टायर मतलब शीशों पे भी पेंट आ रखा था, इतनी गंदी पेंट जॉब करवाई हुई थी, और उसके भी $6,000 मांग रहा था। तो किसी डीलर से लेने का तो मुझे कोई पॉइंट लगा नहीं, तो मैंने सर्च करा फिर फेसबुक मार्केट प्लेस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वो, फेसबुक मार्केट प्लेस पे एक इंडियन ही मिल गया मुझे बंदा, अपना गुजरात का ही था, तो उसके उसी ने से मैंने ये गाड़ी ले ली। देखो उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आई होगी, बाकी 4-5 महीने तो भी चलानी ही है, क्या पता उसके बाद भी रख लें। मुझे देखो ये SP23 लिखा हुआ बढ़िया लगता है, रेड इसके कैलिपर, गाड़ी तो बढ़िया लग रही है मुझे, और चलने में इंजन वगैरह बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, लेट्स होप कि मेरे 3-4 महीने जब तक मेरी नई गाड़ी आती है तब तक आराम से कट जाए, जब वो आएगी आपको वो भी दिखाऊंगा। बाकी जो हमारी दूसरी गाड़ी है, जैसा मैंने आपको बताया, वो भी माजदा 3 है, ये भी माजदा 3 है, बस फर्क कितना है, वो हमारी नए वाली है, 2018 मॉडल है, ली वो भी सेकंड हैंड थी, बट वो तो काफ़ी महंगी पड़ी थी। अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो कमेंट्स में बताना, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, कैसे मिली, कितने की मिली, कैसी कंडीशन है उसकी, कितनी चली हुई है। वो अभी फ़िलहाल वाइफ यूज़ करती, मेरी दिव्यानी है वो यूज़ कर रही है, अब ये वाली मैं यूज़ करूँगा, जब नई आ जाएगी गाड़ी वो अब पता नहीं कौन यूज़ करेगा, या तो मैं ही यूज़ करूँगा या वो यूज़ करेगी, लेट्स सी। बाकी चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, गाड़ी कैसी लगी ज़रूर बताना, काफ़ी अच्छे अच्छे सजेशन आपकी तरफ से मेरे को मिल रहे हैं वीडियो के लिए, उन पे मैं ज़रूर आने की कोशिश करूँगा। एक काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर वहाँ पे आप गए कैसे, क्या प्रोसेस था, क्या सब कुछ था, उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी बताऊँगा। आप कैसे आ सकते हो, आप क्या मतलब आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह के हिसाब से काफ़ी लंबे क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो क्वेरीज आप कमेंट्स में पूछते हो, तो बेटर मेरे हिसाब से ये है कि आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके वो चीज़ पूछ लो, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर पाऊँगा, मैसेजेस में थोड़ी बात हो जाती है, और साथ ही साथ वहाँ पे ऑडियो मैसेज भी सेंड हो जाते हैं, जिनमें ज़्यादा अच्छे से आप भी अपनी बात कह पाओगे और मैं भी। तो चलिए इस वीडियो को और लंबा नहीं करते, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, बाकी कुछ भी बात हो इंस्टाग्राम पे DM कर देना, कमेंट्स में कर देना, आई विल। बाकी हाँ, घर का टूर भी मैं जल्दी ही रहूँगा, आपको घर भी दिखाऊंगा अंदर से और पीछे से, ये फ्रंट बैक यार्ड है, और ये तो फ्रंट का यार्ड है, एक पीछे बैक यार्ड भी है, जो मेरी पिछली एक दो वीडियोस में आपने देखा होगा, आपको प्रॉपर घर दिखाऊंगा मैं बाद में, इसका रेंट वगैरह क्या है, क्या सिस्टम है, कितने में हमने लिया था, वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जय हिंद।